तो एश केचम की पोकेमॉन टीम हमेशा से ही एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, क्योंकि हर एक नई सीजन में हमें एश की टीम में उसके पिछले सीजन से और भी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं जनरेशन 5। और रिसेंटली ही एश ने अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को भी यूज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी टीम में काफी ज्यादा वेरिएशन आने लगा है। चाहे हम बात करें उसके सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट और गुड्रा को यूज करने की, या फिर लिटरली वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी यूज कर चुका है जैसे कि सोलगैलियो। पर ये तो बात हो गई एनिमेस की, पर मूवीज में भी एश ने काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को इस्तेमाल किया है। विच रियली गॉट मी थिंकिंग कि क्या हो अगर एश की पोकेमॉन टीम में सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो। इसमें दिमाग खराब है आपने, मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो इस वक्त है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी होगी एश की सबसे बेस्ट लेजेंडरी टीम। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन्स को इंक्लूड करेंगे जो कि एश की टीम में सबसे बेस्ट काम कर पाएंगे और जिन्हें एश उनके पूरे पोटेंशियल यानी कि फुल पावर में यूज कर पाएगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात करेंगे, तो कमेंट्स में आरसीएस, डार्करा या फिर म्यू लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पोकेमॉन्स मिथिकल पोकेमॉन्स है। ठीक है, पर डोंट वरी, एश की मिथिकल टीम की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अब जब फाइनली सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम एश के लेजेंडरी पोकेमॉन टीम के बारे में बात करेंगे, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एश किसी भी मेन बैटल में पिकाचू को पीछे नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मैंने इंक्लूड किया है। पर डोंट वरी, अगर आपका फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं आता है तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। तो शुरू करते इस लिस्ट को नंबर 1 के साथ, जो कि है म्यूटू। नाउ म्यूटू एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है और इसे कौन नहीं जानता। ये पोकेमॉन एक मैनमेड लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसका टोटल बेस स्टैट है 680। ये पोकेमॉन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने के साथ साथ जनरेशन 1 के सबसे बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स में भी अपनी जगह जरूर बनाता है। ये पोकेमॉन एक स्पीडी स्पेशल अटैकर है जो कि एश की टीम में एक काफी ज्यादा ऑफेंसिव पोकेमॉन की तरह काम कर सकता है। वेल, इस पोकेमॉन के पास 2 मेगा एवोल्यूशंस भी है जो कि है मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। और एश अगर चाहे तो इसमें से किसी भी मेगा फॉर्म में अपने म्यूटू को इवॉल्व करा सकता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एश ने अब तक अपने किसी भी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व नहीं कराया है। और ऐसा नहीं है कि एश के पास पोकेमॉन्स नहीं है जो कि मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, बल्कि उसके पास काफी सारे पोकेमॉन्स है जो कि मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि उसका चारिजार्ड, हेराक्रॉस, ग्लेली और रिसेंट पोकेमॉन्स की बात करें तो गेंगार और लुकारियो भी। और ये हाईली पॉसिबल है कि एश अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कराना पसंद करेगा बाकी किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन से। नाउ अगर बात की जाए म्यूटू के फाइटिंग स्टाइल की, तो म्यूटू जनरली स्पेशल अटैक्स पर डिपेंड करता है, बट जब बात आती है क्लोज कॉम्बैट की यानी कि हैंड टू हैंड बैटलिंग में, तो म्यूटू का जवाब नहीं है। म्यूटू किसी भी सुपर सैन की तरह लड़ सकता है, तो अगर ये पोकेमॉन एश की टीम में आता है तो हमें बहुत सारा एक्शन तो देखने जरूर मिलेगा। और अगर लीग्स और बैटल की बात करें तो एश इस पोकेमॉन को डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है उसकी अमेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ, और इसीलिए ये पोकेमॉन एश की लेजेंडरी टीम में होना तो जरूरी है। तो अब जो नेक्स्ट पोकेमॉन है उसकी बात करें तो ये पोकेमॉन अभी रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है पिछली जनरेशन में यानी कि जनरेशन 7 में, और एश ने इस पोकेमॉन को लिटरली एनिमे में यूज किया है, और ये पोकेमॉन है सोलगैलियो। नाउ सोलगैलियो एक साइकिक और स्टील टाइप पोकेमॉन है और इसका भी टोटल बेस स्टैट 680 है। ये पोकेमॉन एक अटैकिंग बीस्ट है और जैसा कि हमें सन एंड मून सीरीज में दिखाया गया है, ये पोकेमॉन एक बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तो एनिमे में एश ने इस पोकेमॉन के साथ कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि एश इसके पूरे रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा था और ये पोकेमॉन एश के एक्सपेक्टेशन पर खरा भी उतरा। और अगर बात की जाए एनिमे में इस पोकेमॉन के बैक स्टोरी की, तो एश को सोलगैलियो नेबी के फॉर्म में मिला था। वेल, नेबी सिर्फ एक नाम है जो कि उसे दिया गया था, बट एक्चुअल में वो एक कॉस्मोक था जो कि पहला फॉर्म था सोलगैलियो का, और इसे खुद सोलगैलियो और लूनाला एश को देकर गए थे उसके ड्रीम में। अब इस पोकेमॉन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। नाउ वापस आए वीडियो पर, तो एश और नेबी का बॉन्ड या सोलगैलियो का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, पर इसके बावजूद एश ने इस पोकेमॉन को नहीं पकड़ा। पर जो भी हो, सोलगैलियो ने एश को काफी सारे टफ बैटल्स में हेल्प जरूर की है, और डेफिनेटली अगर एश के एक लेजेंडरी पोकेमॉन्स की टीम बनती है तो उसमें सोलगैलियो तो जरूर होगा।
दोस्तों भले ही इस पोकेमोन के पास एक मेगा एवोल्यूशन ना हो बट इस पोकेमोन के पास एक बहुत ज्यादा ऑसम फॉर्म है जो कि है रेडियंट फॉर्म। और इस फॉर्म में सोलगैल्यू की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वेल एनएमए में ये फॉर्म हमें पूरी तरह से तो नहीं दिखाया गया बट डेफिनेटली अगर एश इस पोकेमोन को यूज करना शुरू कर देगा तो वो इस फॉर्म को अनलॉक जरूर कर लेगा और वो सोलगैल्यू को उसके पूरे पोटेंशियल पर यूज कर पाएगा। तो डेफिनेटली ये पोकेमोन एश की लेजेंडरी पोकेमोन टीम में अपनी जगह डिजर्व करता है। तो अब जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो अगर इस लिस्ट में नहीं होता ना तो ये लिस्ट पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं होती। यस, मैं बात कर रहा हूँ हो की। ये पोकेमोन डेफिनेटली एक काफी ज्यादा स्पेशल पोकेमोन है सिर्फ और सिर्फ एश के लिए नहीं बल्कि हर एक फैन के लिए, क्योंकि पोकेमोन के सीजन 1 के पहले एपिसोड के एंडिंग में हमें ये पोकेमोन दिखाया गया था जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया था कि आखिर ये पोकेमोन है कौन सा। वेल ये पोकेमोन बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि लिटरली मरे हुए पोकेमोन्स को वापस जिंदा कर सकता है। इस पोकेमोन का टोटल बेस स्टैट है 680 जो कि लिटरली इस पोकेमोन को एक फायर मॉन्स्टर बना देता है। होहो काफी बार अपीयर हो चुका है एनिमे और मूवीज में जहां पर इसने अपनी काफी अच्छी तरीके से छाप छोड़ी है। वेल इस पोकेमोन का जिक्र हमें पोकेमोन जर्नी में भी देखने मिला जहां पर एश जब जोटो रीजन में जाता है तब एक स्पेशल जगह पर वो जाकर होहो का पंख हिलाता है। वेल आगे क्या होता है ये बताकर मैं आपका मजा तो खराब नहीं करूंगा बट डेफिनेटली वो एपिसोड जाकर जरूर देखना। नाउ अगर बात करें इस पोकेमोन के डिजाइन की तो डेफिनेटली ये पोकेमोन वन ऑफ दी मोस्ट वेल डिजाइंड पोकेमोन्स में से एक है। और पोकेमोन की जो नई मूवी आई थी आई चूज यू उसमें इस पोकेमोन को देखना तो भाई अलग ही लेवल का मजा था, क्योंकि उस मूवी में इस पोकेमोन को काफी ज्यादा कूल दिखाया गया था और एंड में एश को उससे बैटल करने का भी मौका मिला था। और जिस तरह से ये पोकेमोन एश के दिल में अपनी एक स्पेशल जगह बनाता है मुझे नहीं लगता कि एश जब लेजेंडरी पोकेमोन की टीम यूज करेगा तो वो इस पोकेमोन को छोड़ेगा। वेल वो इस पोकेमोन को लास्ट डेज की तरह यूज कर सकता है लीग्स और बैटल्स में जैसा कि वो गुडरा को यूज किया करता था। तो डेफिनेटली ये पोकेमोन एक काफी ज्यादा सूटेबल पोकेमोन है एश की लेजेंडरी टीम के लिए। तो अब जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन्स में से एक है एंड एटलीस्ट जो उसका मेगा एवोल्यूशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा एवोल्यूशन है और वो पोकेमोन है रेक्वाजा। नाउ ये पोकेमोन इस लिस्ट में ना हो तो भैया मतलब फैंस तो छोड़ेंगे ही नहीं बट ये पोकेमोन डेफिनेटली एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। ये पोकेमोन एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और इसका बेस स्टैट टोटल भी 680 है। और ये पोकेमोन उन गिने चुने लेजेंडरी पोकेमोन्स में से है जिनके पास मेगा एवोल्यूशन है जिसकी वजह से इसकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। और अगर बात की जाए एनिमे में इस पोकेमोन की तो हमें एनिमे में ये पोकेमोन तो नहीं दिखाया गया है बट काफी सारे मूवीज में ये पोकेमोन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, कभी कभार तो ओवर पावर भी दिखाया गया है। तो डेफिनेटली अगर ये पोकेमोन एश की टीम में आता है तो उसकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ये बन सकता है एंड नो डाउट एश की टीम को हराना तब इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो एश अगर बिना किसी टेंशन के एक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है तो उसे डेफिनेटली इस पोकेमोन को पकड़ना जरूर चाहिए। वेल अगर इस पोकेमोन की पूरी पावर को देखना है तो हमें पोकेमोन की गेम्स ओमेगा रूबी और अल्फा सैफायर में जाकर देखना होगा क्योंकि वही ही इस पोकेमोन का पूरा पोटेंशियल हमें दिखाया गया है। ये पोकेमोन लिटरली अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में घूमता है और वहां पर आने वाले सभी मीटियोर्स को तबाह कर देता है। वेल रेक्वाजा के बारे में एक और जो स्पेशल बात है वो ये है कि रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व होने के लिए किसी भी मेगा स्टोन की जरूरत नहीं है और ना ही उसे किसी भी ट्रेनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की जरूरत है। वेल उसे सिंपली सिर्फ एक मूव सीखने की जरूरत है जो कि है ड्रैगन एसेट और वो इस मूव का इस्तेमाल करते ही सीधा सीधा मेगा इवॉल्व हो जाता है। वेल इस पोकेमोन का मेगा एवोल्यूशन काफी ज्यादा कूल दिखता है। तो रियली अगर ये पोकेमोन एश की टीम में आ जाता है ना तो एश की टीम अनबीटेबल बन जाएगी और डेफिनेटली वो वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाएगा। सो लिटरली ये पोकेमोन एश के लिए सबसे बेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन होगा जो कि वो अपनी टीम में ऐड कर पाएगा। तो जो लास्ट पोकेमोन होगा जो कि एश की इस लेजेंडरी टीम का हिस्सा बनेगा वो होगा आर्टिकुनो। नाउ ये पोकेमोन डेफिनेटली एक काफी ज्यादा ग्रेट लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि एक आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। वेल ये पोकेमोन तीनों लेजेंडरी बर्ड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज्यादा कूल लुकिंग भी। ये पोकेमोन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है जिसने कड़ी टक्कर दी थी एश के चारिज़ार्ड को बट एट द एंड टाइप एडवांटेज की वजह से एश का चारिज़ार्ड जीत गया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पोकेमोन वीक है क्योंकि ये पोकेमोन एक काफी कड़ी टक्कर दे सकता है ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स को। तो अगर ये पोकेमोन एश की इस लेजेंडरी टीम में ऐड हो जाता है तो हमें डेफिनेटली इस पोकेमोन का पूरा पोटेंशियल देखने मिलेगा ही और मे बी एश इसका पुराना फॉर्म ना पकड़कर इसे जो नया फॉर्म मिलने वाला है गैलर में वो पकड़े तो और भी ज्यादा कूल हो जाएगा।
वेल, इस नए फॉर्म के बारे में काफी कम जानकारी अवेलेबल है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है, बट डेफिनेटली अगर ये पोकेमॉन ऐश की टीम में ऐड हो जाता है तो भैया उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये पोकेमॉन नो डाउट बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। वेल, अगर वापस आए नॉर्मल आर्टिकुनो पर तो ये पोकेमॉन वैसे भी एक काफी कूल पोकेमॉन है क्योंकि ये लिटरली एक आइस टाइप पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन जनरली केव्स में रहता है और अगर इसे मौका मिलता है अच्छी बैटल का तो ये काफी कड़ी टक्कर दे सकता है किसी भी ट्रेनर को। तो काफी सारे ट्रेनर्स हैं जो कि इस पोकेमॉन को यूज करना पसंद करते हैं, जैसे कि रेड। रेड ने आर्टिकुनो को पोकेमॉन जनरेशंस के एपिसोड में पकड़ा था, बट दैट जस्ट अ होल डिफरेंट टॉपिक, सो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। नाउ वापस आए ऐश की लेजेंडरी टीम पर तो डेफिनेटली ये पोकेमॉन एक काफी सूटेबल पोकेमॉन होगा और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ऐश की टीम के लिए, जो कि उसे काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है बैटल्स और लीग्स में। तो ये रही एक स्पेकुलेशन वीडियो ऐश की लेजेंडरी टीम के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन इस लिस्ट में आ गया होगा। वेल, इस वीडियो का फॉलो अप वीडियो यानी कि ऐश की मिथिकल टीम की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में ऐश किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को अपनी टीम में पकड़ेगा या फिर वो उन्हें सिर्फ बैटल्स में ही यूज करेगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और उन्हें कहना कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द से जल्द ही 100K हिट करने वाले हैं। सो डू इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।